हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक लैंडस्केप फ़ोटो को एडिट करेंगे और कुछ लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो गाइस देख सकते हैं, मेरे पास ये एक लैंडस्केप की इमेज है जो मैंने जयपुर में क्लिक की थी। सो सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के बारे में। जब भी आप एक लैंडस्केप फ़ोटो लें या कोई भी अदर अगर आप नॉर्मल फ़ोटो भी लें, अगर लैंडस्केप थोड़ा एरिया ब्राइट है या मॉर्निंग सीन है या कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा फ़ोटो को अंडर एक्सपोज क्लिक करिए। देख सकते हैं जैसे कि ये फ़ोटो थोड़ा अंडर एक्सपोज है, बिकॉज इससे क्या होता है, जो भी आपकी हाईलाइट्स एंड शेडोज होती है उसमें डिटेल्स बहुत अच्छी आती हैं। अगर आप इसको करेक्टली एक्सपोज करेंगे तो हो सकता है जो सन का ये पार्ट है, देख सकते हैं, ये हो सकता था कि ये ब्लोन आउट हो जाता, इसमें डिटेल्स नहीं होती, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स हैं और हम इसको ईजिली रिकवर कर सकते हैं। सो हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको अंडर एक्सपोज क्लिक करें, जिससे कि वो बाद में जब आप एडिट करें तो उसमें आपको प्रॉपर डिटेल्स मिले। सो नेक्स्ट के जब भी आप एक्सपोज करें फ़ोटो को, हमेशा अपनी जो आपकी ब्राइटर एरिया है आपके फ़ोटो का, उसके लिए उस फोटो को एक्सपोज करें। जो आपका ब्राइटेस्ट पार्ट है उस पर आप जब आप अपने फ़ोटो को एक्सपोज करेंगे, हो सकता है फ़ोटो थोड़ा अंडर एक्सपोज आए बट आपकी डिटेल्स फ़ोटो में पूरी आएंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं इसको पूरा एडिटिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लाइट पैनल में जाऊंगा और मैं इसमें बेसिक एडजस्टमेंट करूंगा। मैं हल्का एक्सपोजर डाउन करूंगा, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट अप करूंगा ओनली 5, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट में कर्व से भी ऐड करूंगा इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करूंगा। हाइलाइट्स हल्की सी डाउन। एक्चुअली जो मेरा इस फोटो को एडिट करने का मूड है वो मैं चाहता हूँ ये रेज जो सन की आ रही हैं थोड़ी आए और हल्की हल्की लाइट हो फोटो में, थोड़ा मॉर्निंग का लुक हो, वार्म टोन्स हो फोटो में। सो इस तरह का मेरा एडिट करना है इस फोटो को। सो हमेशा एडिट करने से पहले इस फोटो के बारे में इमेजिन कर लें कि आप इसको कैसे एडिट करना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से उसको एडिट करें तो आप बेटर रहेगा। शेडोज हल्का सा अप करूँगा, ज़्यादा नहीं, ओनली हल्के से वाइट अप करूँगा क्योंकि मुझे जो हाउसेज हैं उसमें थोड़ी शेडो थोड़ी लाइट चाहिए, और मैं ब्लैक डाउन करूँगा। तो ये मेरी बेसिक एडजस्टमेंट हो चुकी है, शायद मैं थोड़ी सी हाईलाइट्स और डाउन करूँगा। नाउ मेन चीज़ कर्व, अगर आप न्यू हैं कर्व आपको यूज़ करने नहीं आते हैं, सो एक ईजीएस्ट वे मैं बताता हूँ आपको, हमेशा 3 पॉइंट ले लीजिए कर्व पे, एक हाईलाइट, शेडो एंड मिड पॉइंट, और इनके साथ बहुत स्लाइटली चेंजेस करिएगा क्योंकि कर्व बहुत इफेक्टेड होता है फ़ोटो पे, इसलिए हर स्लाइटली चेंज करके देखिए कि आपको आपका कहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। मैं अभी इसको अप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका इमेज चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं सही जगह को चेंज करूँगा तो ये हमारी जो हाईलाइट्स हैं शेडोज़ हैं उनको चेंज करेगा और ये मेरी मिड टोन्स को चेंज करेगा। सो आप देख सकते हैं, मैं आप हल्का सा एडिट कर लेता हूँ उसको, मैं एस कर्व दूंगा सिंपल। एक रूल होता है कर्व में, अगर आप कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है तो उसमें एक आप एस ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, बट मैं इसमें थोड़े और चेंजेस करूँगा अभी। कुछ इस तरीके से अब आप देख सकते हैं फोटो ऑलरेडी बहुत अच्छा दिख रहा है, बट स्टिल मैं हल्का सा इसको अप करूँगा एंड इसको मैं हल्का सा डाउन करूँगा एंड मिड टोन्स में हल्की सी अप करूँगा। सो ये मेरी कर्व हो गए लाइक दिस। देख सकते हैं अब मैं इसके RGB कर्व में जाऊंगा, ब्लू सेक्शन में जाऊंगा, और आप हमेशा कर्व जो ब्लू कर्व होगा उसका अपोजिट येलो होगा। अगर मैं इसको डाउन करूंगा तो फोटो में येलो ऐड हो जाएगा, मैं अप करूंगा तो ब्लू ऐड हो जाएगा। सो मैं हल्का सा ब्लू ऐड करूंगा एंड यहाँ से येलो मिड टोन्स में थोड़ा सा येलो ऐड करूँगा कुछ इस तरीके। ध्यान रखें ज़्यादा इसमें एडिट ना करें कर्व को, क्योंकि ये बहुत इफेक्टेड होता है और बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देता है फ़ोटो में, आप फ़ोटो ख़राब भी कर सकते हैं। तो
तो अब देखिए ये मेरा बिफोर एंड आफ्टर ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। लाओ अब मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर अप करूँगा जिससे कि मेरा हाउस उस पर थोड़ी सी ग्लो आ जाएगी, वो लाइट वार्म ग्लो थोड़ी सनलाइट की देख सकते हैं। 19 अराउंड 9 के मैं टिंट दूंगा इसमें हल्का सा। आई थिंक मैं ब्लू में जाके कर्व में हल्का सा इसको और नॉर्मल करूँगा। ठीक है ना, मैं वापस एक्सपोजर पे आऊँगा, हल्का सा एक्सपोजर अप करूँगा और मल्की की शेडोज़ भी अप करूँगा। सो देख सकते हैं नाउ। अब मेन पार्ट इस फोटो का जो हमें एडिट करना है, हमें जाना है सिलेक्टिव एडिट्स पे और मुझे दो ग्रेडिएंट फिल्टर लगाऊँगा मैं, एक अपने फोरग्राउंड के लिए और इसमें मैं हल्की सी शेडोज़ को अप करूँगा। हाइलाइट्स डाउन करूँगा और सैचुरेशन अप करूँगा। सो आप देख सकते हैं अब मेरे को हाउसेज में डिटेल्स दिखने लगी हैं। नाउ एक ग्रेडिएंट और मैं लूँगा, ये मैं स्काई के लिए लगाऊंगा लाइक दिस। मैं इसमें अपना एक्सपोजर वापस डाउन करूँगा हल्का सा, हाइलाइट्स को भी हल्का डाउन करूँगा, शेडोज भी डाउन करूँगा मैं। कॉन्ट्रास्ट हल्का सा ऐड करूँगा। थोड़ा सा मैं इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा कूल की साइड रखूँगा, नॉट वार्म। अगर मैं इसको पूरा वार्म कर दूँगा तो ये थोड़ा फेक लगेगा बिकॉज सन इतना भी क्लाउड के पीछे है और ऑरेंज और सनराइज के टाइम थोड़ा ब्लूइश कलर भी होता है स्काई में। सो मैं इसमें हल्का ब्लू ऐड करूँगा जो उसका नेचुरल लुक है लाइक दिस। अब मैं वापस डिटेल्स में जाऊँगा, कॉन्ट्रास्ट को अप करूँगा और एक्सपोजर को भी हल्का सा करूँगा। सो देख सकते हैं अब मैं एक और ग्रेडिएंट लूँगा लेकिन इसका सर्कुलर लूँगा मैं और इसको इस एरिया में लगाऊंगा राइट देयर। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, और भी वीडियोस हैं इस चैनल पे, आपको हेल्पफुल लगेंगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक। अब मैं एक्चुअली अब मैं इन रेस जो सन की जो रेज है मैं उसके लिए एडिटिंग कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं जिससे कि थोड़ी और पॉप दिखे वो फोटो में, थोड़ी और डिटेल्स उसमें आ जाए। ये देखिए
माउंटेन्स के आप लेयर्स भी देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। नाउ अब मैं एक और सेलेक्टिव एडिट लूँगा एंड इसको ओनली फॉर इन रेस के लिए लगाऊंगा, इस एरिया के लिए। नाउ मैं एक्सपोजर इसका कुछ इतना रखूंगा, कॉन्ट्रास्ट ऐड करूंगा, अराउंड 10 हाईलाइट डाउन करूंगा, शेडो हल्के सी अप करूंगा, टेम्परेचर ही रहने दूंगा। नहीं आई थिंक ये वाला सर्कल नहीं अच्छा लगेगा, अब सही है। सो हमने सेलेक्टिव रेड भी कर दिया है, अब हम इसके कलर्स को चेंज करेंगे, जो हमें कलर थोड़ी करेक्शन करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है। सो मैं वाइब्रेंस को पहले अप करूँगा, सैचुरेशन डाउन करूँगा और वाइब्रेंस अपनी अप करूँगा लाइक 45 के अराउंड और सैचुरेशन अराउंड 9। सो देख सकते हैं, अब मैं जाऊँगा अपने कलर पैनल में, मिक्स जिसे बोलते हैं। नाउ मैं सबसे पहले येलो को एडिट करूँगा और मैं इसको हल्का ऑरेंजिश कर दूँगा, थोड़ा ब्राइटर साइड वाला ऑरेंज। मैं इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ जिससे कि आपको सही दिखे। देख सकते हैं, नाउ मैं ब्लू में जाऊंगा और मैं इसकी सैचुरेशन हल्की सी कम करूंगा और उसको थोड़ा ब्राइट कर दूंगा। ग्रीन मैं थोड़ा ब्राइटर ग्रीन करूँगा लाइक दिस, और ऑरेंज को थोड़ा, इसको भी मैं हल्का सा ब्राइट करूँगा लेकिन सैचुरेशन कम करके। और रेड को भी मैं हल्का ब्राइट कर दूँगा, अब ये सही दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा टेम्परेचर मुझे वार्म करना पड़ेगा अपना। आप देख सकते हैं कलर्स भी परफेक्ट हो गए हैं इस फोटोज में। अब नाउ हमारा नेक्स्ट पैनल जो हमारा डिटेल्स का है, आप चाहें तो उसको थोड़ा और ऑरेंजी बना सकते हैं लाइक दिस, बट मैं इसे यहीं रखूँगा इतना। सो देख सकते हैं आप। नाउ मैं एक और फिल्टर लूँगा सिर्फ और सिर्फ हाउसेस के लिए, और मैं सिर्फ इसमें टेक्सचर ऐड करूँगा। और मैं क्लियरिटी 2% कर दूँगा इसकी। आप देख सकते हैं डिटेल्स कितनी अच्छी आ गई हाउसेस में। अगर मैं इस पूरे इमेज पर टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ तो ये थोड़ा ओवर शार्पन हो जाएगा और थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए हम बहुत सेलेक्टिव एडिट करेंगे, हर चीज़ को एक अलग लेयर में लेके एडिट करेंगे। अब मैं स्काई के लिए थोड़ी डिटेल्स दूंगा लाइक क्लेरिटी एंड लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स, ये कलर्स को थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट देता है, टेक्सचर अराउंड 2, बिकॉज इसके फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में लाइट डिफरेंट है इसलिए इसकी टेक्सचर और डिटेल्स भी अलग अलग होंगी। अगर मैं सिंपल ओवरऑल इफेक्ट में देता हूँ क्लेरिटी का, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं ये थोड़ा
अजीब लुक दे देगा फोटो को। हम देंगे हम ओवरऑल टेक्सचर भी देंगे लाइक अराउंड 6 and 10 days, नो लुक परफेक्ट। आप देख सकते हैं और लास्ट जो हमारा बचता है स्प्लिट टोन। ज़रूरी नहीं है आप हर फोटो में सारे इफेक्ट यूज़ करें जितने भी आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, बट आप हर स्टेप्स से होते हुए जाएं, अगर वो अच्छा लगे तो आप उसको रहने दें वरना उसको हटा दें। लाइक स्प्लिट टोन की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है इस फोटो में, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा, अगर कुछ बेटर हो सकता है तो मैं यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको वापस 0-0 कर दूँगा। सो देखते हैं कुछ अगर इसमें हो सकता है तो। आई थिंक स्प्लिट टोन की ज़रूरत नहीं है इस फोटो में, परफेक्ट। विनेट नहीं यूज़ करूँगा मैं इस फोटो में, ग्रेन भी नहीं। अब मैं जाऊँगा अपने डिटेल्स के पैनल में, शार्पनेस मेरी ऑलरेडी 40 है, बिकॉज मैं रॉ क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली शार्पनेस जो मेरी कैमरा की है वो ले लेता है, 40% के अराउंड रहती है वो। नॉइज़ रिडक्शन की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ISO 100 पे क्लिक है, सो इसमें नॉइज़ नहीं है। बट कलर नॉइज़ मैं इसमें ऑन रखूँगा 25% जो डिफ़ॉल्ट होती है, एंड कलर एवरेशन और लेंस प्रोफाइल ज़रूर ऑन कर लें अगर आप कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते हैं तो। सो देख सकते हैं हमारा फाइनल एडिट है, आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। हमने कोई इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया है, हमने सिर्फ इसके कलर एडजस्ट किए हैं। ये ऑलरेडी डिटेल इस फोटो में थी, हमने सिर्फ उसको एनहांस किया है। आप देख सकते हैं माउंटेंस में लेयर भी क्लियर हो गई हैं, हाउसेज में भी डिटेल्स आ गई हैं और स्काई भी हमारा बहुत अच्छा हो गया है। तो ये मैं था, मैं ही ऐसा ही कुछ फाइनल लुक चाह रहा था और ये कम्प्लीट हो गया है। सो आप ये सारे आप कोई लैंडस्केप फ़ोटो का एडिट करना है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि हमेशा एग्जैक्ट सेटिंग हर फोटो पर अप्लाई नहीं होती है। और अगर आप न्यू हैं एडिटिंग में सो प्लीज़ प्रीसेट्स का यूज़ ना करें, हर फोटो को आप एडिट करके देखें, अपने प्रीसेट्स बनाने की कोशिश करें और हर फोटो को एटलीस्ट 2 या 3 बार एडिट करने की कोशिश करें अलग अलग सेटिंग्स के साथ, तो आप उसको आपको पता लगेगा कि आपका फ़ोटो का मूड आपको कैसा चाहिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे सोच लेते हैं दिमाग में कि मुझे ऐसा मूड चाहिए, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फ़ोटो को अलग अलग तरीके से एडिट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको भी समझ आने लगेगा कि आप उस फोटो में क्या चाहते हैं। और आप जब क्लिक करें तो माइंड में रख के क्लिक करें कि आप उसको कैसा एडिट करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।